हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बेसिक एक्सेल के एक फंक्शन के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, जिसमें कि हम आपको कॉनकैटिनेट फॉर्मूला के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। सो कॉनकैटिनेट एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप दो या उससे ज़्यादा सेल्स की वैल्यू को जोड़ सकते हैं, यानी कि मिलाकर लिख सकते हैं। सो पहले आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देते हैं। सो कॉनकैटिनेट इज टू जॉइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि वैल्यूज, उस टेक्स्ट की वैल्यू को इनटू वन स्ट्रिंग यूजिंग कॉनकैटिनेट। सो दो टेक्स्ट, दो सेल की वैल्यूज को मिलाकर एक वैल्यू बनाते हैं, के लिए हम यूज करते हैं कॉनकैटिनेट। वैल्यूज न्यूमेरिक नहीं, टेक्स्ट वैल्यूज। इसका फॉर्मूला होता है कॉनकैटिनेट ब्रैकेट टेक्स्ट वन, यानी कि पहले सेल जिससे कि आपको वैल्यू चाहिए, कॉमा दूसरा सेल, और ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं बाकी के। इसका ये फंक्शन हमने दिखा रखा आपको। हम इसको एग्जांपल देते हैं। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब हम कोई भी एक्सेल प्रिपेयर करते हैं या फिर हम कोई कॉर्पोरेट फाइल बनाते हैं, सो उसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है नेम। कई बार एम्प्लॉयज या लोग अपने नाम एज पर फॉर्म, जो फॉर्म्स भी हमारे होते हैं उसमें तीन सेक्शन दिए होते हैं, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम। सो वो ऐसे ही फिलअप होके आता है। लेकिन अब हम अगर इसमें एक्सेल शीट में और भी इंफॉर्मेशन होंगी, तो एक नेम कॉल, नेम हमारा तीन कॉलम्स में आ रहा है, और वैसे भी हम जब हमारे पास हैवी डेटा होता है तो हमारे पास कॉलम्स वैसे ही शॉर्टेज होती है कॉलम्स की, बिकॉज हमको फॉर्मूलेज लगाने होते हैं, कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। सो कॉलम्स कम से कम यूज हो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के लिए, सो दैट कि वो एक तो साइज भी कम होगा और रिपोर्ट भी अच्छी होगी। तो उसके लिए हम नेम को एक कॉलम में कर सकते हैं, जो कि हमारा तीन कॉलम में आ रखा है। सो हम एक नया कॉलम बनाते हैं नेम। अब हम इसमें तीनों को मिला के एक करते हैं, कॉनकैटिनेट ब्रैकेट। सो टेक्स्ट वन हमारा है अजय, कॉमा टेक्स्ट टू कुमार, कॉमा टेक्स्ट थ्री चौहान, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले ने तीनों सेल्स की वैल्यू को तो ज्वाइन कर दिया, लेकिन स्पेस नहीं दिया। सो हमें इसमें स्पेस भी देना होगा, कॉमा फर्स्ट सेल, कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा, फिर सेकंड सेल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, फिर कॉमा, और फिर थर्ड सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो दोस्तों, स्पेस आ गया। सारे नाम हमारे एक सेल में आ गए हैं। ये फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। अगर आपको कॉनकैटिनेट याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसकी जगह आप सिंपल इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, इक्वल्स टू ए वन, यहां पर आप कॉमा की जगह एंड यूज करेंगे, एंड एंड सिंबल, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस एंड सेल नंबर टू, एंड इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस एंड सेल नंबर थ्री। देखिए दोस्तों, इसमें भी
सेम रिजल्ट आया। सो आप कॉन्कैटिनेट यूज करें या सिंपल इक्वल्स टू देन एंड साइन लगाएं कॉमा की जगह, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ये रहा डिटेल पेज। सो आज के शॉर्ट वीडियो में कॉन्कैटिनेट, हम जल्द ही नए फॉर्मूलाज के साथ नए वीडियोस लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।